कुछ दिन पहले हम निगड़ी से उठा के लाए थे, ब्रिज के पास हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा। तो इनका ज्वाइनिंग हो गया है डी मार्ट में, देख सकते हो टी शर्ट इसका डी मार्ट का। तो यही डी हेलो, वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई जॉब्स के बारे में। यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है और पुणे में आपको सबसे अच्छी कंपनी टॉप कंपनी में जॉब करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि पुणे में जो आईटीआई के लिए जॉब है सबसे अच्छी कंपनी फोर्स मोटर है, जय हिंद है और भी बहुत सारी कंपनी है। तो आज आपको बताने वाले हैं फोर्स मोटर में ज्वाइनिंग का प्रोसेस, काम क्या है, काम करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कंपनी में आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो कंपनी के निकलने के बाद आपको कितनी पेमेंट आपको मिलने वाली है, ये सारी प्रोसेस रुपेश भाई बताने वाले हैं। तो ये बताइए कि फोर्स मोटर में ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो गेट पे जाना है, उसके बाद वहाँ पर HR रहते हैं और सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फिर 10th 12th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उसके बाद उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट में क्या चीज़ का काम है वो फिर आपको मैनेजर पर डिपेंड करता है, मैनेजर आपको सिग्नेचर करके देगा, आपका काम अच्छा लगा तो ओके करके देगा। उसके बाद फिर आप उसी गेट पे आइएगा, उसके बाद आपको HR दूसरे दिन बुलाएगा, आपको फिर उस दिन से फिर फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरवाने के बाद PF का फॉर्म और जो भी कुछ का फॉर्म हो सब अप्लाई करवा देगा। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए डायरेक्ट बुलाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको आपका समय बता देगा, 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, एक जनरल शिफ्ट होता है। तो आपको शिफ्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है कौन डिपार्टमेंट में कौन सा शिफ्ट का काम होता है। उसके बाद 7 महीना का पीरियड रहता है, ITI हो या 10th 12th का हेल्पर हो, उसमें भी कौन कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हो, एक हो गया टूल रूम, एक हो गया इंजन शॉप, एक हो गया ट्रैक्टर शॉप फोर्स मोटर का है, और एक होता है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस। और उसके बाद फिर आपको 7 महीना कंप्लीट होने के तो बाद ITI वाले को कौन कौन सा डिपार्टमेंट में रखा जाता है, R&D रिसर्च टूल रूम मशीन शॉप, वो सब सब में रखा जाता है, मशीन शॉप में भी रखा जाएगा, टूल रूम में भी रखा जाएगा और R&D में भी रखा जाएगा। तो 8 घंटे का जॉब है, यस। 8 घंटे में खाना वाना भी मिलता है, यस, खाना भी है। कैसा खाना कैसा रहता है? खाना भी है, 2 सब्जी मिलता है, चपाती मिलता है, चावल दाल सलाद वगैरह। खाने का फोटो वोटो है क्या? नहीं, खाने का तो मतलब खाना बहुत बढ़िया है, मतलब फॉन्ड्री डिपार्टमेंट भी है ना फोर्स मोटर में, फॉन्ड्री वाले को वहाँ पे अंडा वगैरह भी, केला भी मिलता है, केला केला दूध भी मिलता है। तो यदि 8 घंटे में आप सुबह जब जाते हो तो एक टाइम नाश्ता मिलेगा जी कैंटीन में, फिर 12 से 11 बजे से 1 बजे तक आपको खाना मिल जाएगा, फिर चाय वगैरह देता है, चाय 2 बजे में मिलता है। तो 8 घंटे में मतलब काम कैसा, हार्ड है या नॉर्मल? नहीं, काम हार्ड नहीं है, फोर्स मोटर में पूरा काम हल्का है, आप कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, जो सीनियर स्टाफ है, सीनियर वर्कर है, वो आपको नहीं बुझाएगा, वो बताएंगे काम के बारे में, फिर आपको एक बार दो बार दिखाएंगे, उसके बाद खूब आप समझ जाओगे आप काम किस कुछ से सीखना चाहते यदि हो। यदि फोर्स मोटर में जॉब करना है तो कौन कौन से मतलब फोर्स मोटर के लिए बस फैसिलिटी नहीं है? नहीं, बस फैसिलिटी नहीं है, उसके अगल बगल में आपको रूम ले लेना, मतलब आपको साले चौक निगड़ी और आकुड़ी में रूम लेना पड़ेगा। तो 8 घंटा काम करने के बाद कितना सैलरी मिलेगा? 8 घंटा काम करने के लिए बेसिक सैलरी टोटल है 19,300 ITI मशीनरी को, और जो मशीन पे काम नहीं कर रहा उसको है 18,600, और मशीन हम करते हैं मशीन पे काम किए थे फोर्स मोटर में, तो सब कट पीट के आता है 16,500 खाना का। तो ये इनका पेमेंट स्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेमेंट टोटल कहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखता होगा, तो ये कुछ 16,000 है इनका, 16,288 रुपया है 8 घंटे का सैलरी, देख सकते हो ये फोर्स मोटर का सैलरी स्लिप है। तो ये 8 घंटा में यहाँ पे आपको ITI वालों के लिए 16,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है।
तो कितने महीने का मतलब पीरियड होता है? 7 महीने का। यदि 7 महीना आप कंप्लीट करते हो उसके बाद क्या प्रोसेस है? 7 महीना कंप्लीट करने के बाद 50,000 से 55,000 का पैकेज रहता है, उसमें आपको एक भी छुट्टी नहीं मारना पड़ता, आईटीआई का कोई छुट्टी नहीं है, मतलब लीव नहीं है एक भी छुट्टी। यदि आप छुट्टी लेते हो तो आपका पेमेंट से कट होता है? यस, कट होता है। एक दिन छुट्टी मारने पे 1,000 कट होता है? 1,000 कटता है। 2 दिन करने पे 2,000 कटता है, मतलब 3,000 जो है आपका इंसेंटिव अटेंडेंस बोनस है। उसके बाद 4th दिन आपका खुद आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब 3 दिन काम करने के बाद आपकी जॉब चली गई, मतलब यदि छुट्टी मारने के बाद। तो आप 7 महीना का पीरियड यदि वहाँ पे निकालते हो तो 50,000 से 55,000 तकरीबन आप मतलब पैकेट में लेकर के आप जा सकते हो। पीएफ हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, दीपावली बोनस हो गया, 1 महीना का पूरा सैलरी दीपावली बोनस मिलता है, 20,000 से 22,000 मिलता है पीएफ, और 10,000 फैमिली पेंशन मिलता है। और फिर लास्ट महीना में जब पीरियड खत्म होने के बाद 6,000 से 7,000 क्लियरेंस मिलता है। क्लियरेंस 7,000। तो ये है, यदि आप फोर्स मोटर में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो और आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो आपको गेट नंबर कितना जाना पड़ता है? 2 नंबर गेट। 2 नंबर गेट पे जाना है अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के, वहाँ पे HR रहते हैं और यहाँ पे रेगुलर रिक्वायरमेंट रहता है। आप कभी भी जाओगे जब रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आपको नियर बाय फोर्स मोटर के पास ही रहना है ताकि आप पैदल आ जा सको। और 7 महीना पीरियड निकालने के बाद आपको तकरीबन 50,000 तक की पेमेंट मिल जाएगी, आप आराम से 1 महीना 2 महीना घर बिता सकते हो। उसके बाद यदि आप फोर्स मोटर में काम करते हो तो आपको जय हिंद में आसानी से जॉब मिल जाता है। ये देखो इनका ज्वाइनिंग लेटर है जय हिंद का। फोर्स मोटर कंप्लीट करने के बाद आपको जय हिंद में अप्लाई करोगे तो वहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि जय हिंद और फोर्स मोटर दोनों एक ही कंपनी है, फिरोदिया इंटरप्राइजेस के नाम से दोनों कंपनी है, दोनों एक ही मालिक का कंपनी है। यदि आप फोर्स मोटर में काम करते हो या फिर जय हिंद में काम करते हो, जय हिंद में काम करने के बाद फोर्स मोटर में आसानी से जॉब लग जाएगा, और फोर्स मोटर में काम करने के बाद जय हिंद में आसानी से जॉब लग जाता है। लेकिन फोर्स मोटर का ज्वाइनिंग प्रोसेस ईजी है, जय हिंद का थोड़ा ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा टफ है, आप समझ सकते हो, मैं कभी क्लियर आपको बता दूंगा। तो यदि आप 1 साल समय देते हो तो तकरीबन 1,00,000 रुपया, 1 लाख से ऊपर आप घर से कम 1.5 प्लस, हाँ, मतलब ये सैलरी नहीं है, आप काम आपका जब ब्रेक होता है तो मिलने वाला जो पेमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर आप घर लेके जा सकते हो। 1 लाख काफ़ी मायने रखता है आईटीआई वालों के लिए, आप चाहे उस पैसे का कुछ बिजनेस कर सकते हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आप फॉरेन वगैरह में भी जा सकते हो काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है काफ़ी हाईटेक कंपनी है और ये काम का एक्सपीरियंस का आपको वैल्यू रखता है। और ये कंपनी LTD कंपनी है, लिमिटेड है, तो आपको गवर्नमेंट में भी प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो गवर्नमेंट में भी आप जब अप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आपको रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश भाई, ये अभी जय हिंद में जॉब कर रहे हैं। जय हिंद का क्या सैलरी वगैरह है? फोर्स जय हिंद से मैं सैलरी फोर्स से 2,000 एक्स्ट्रा है, उसमें सैलरी है 21,500 और सब कट वगैरह, खाना पीएफ एसआई सब कट होकर 19,000-18,000 तक आ जाता है। ये बेसिक सैलरी है, 18,500 तक इन हैंड पेमेंट आ जाता है जय हिंद में। और जय हिंद का प्रोसेस यह है, जय हिंद में ज्वाइनिंग होने का लेट कारण यही है कि अगूड़ी में जय हिंद का छोटा प्लांट है और जय हिंद का सबसे बड़ा प्लांट है उर्से। उर्से जाने के वजह उर्से अगर जाते हैं तो वहाँ ज्वाइनिंग सूरत हो जाता है, और अकूड़ी में छोटा प्लांट है इसके कारण थोड़ा ज्वाइनिंग में लेट हो जाता है। और अगर आप थोड़ा टाइम अगर वेट करते हो तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा अकूड़ी में भी, और नहीं तो तुरंत जॉब लेना चाहते हो तो आप उससे जा सकते हो, उससे में आपका लगेज तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये रहा जय हिंद और फोर्स मोटर का ज्वाइनिंग प्रोसेस, काम क्या था। तो जय हिंद में अलग अलग शॉप से और फोर्स मोटर में अलग अलग शॉप है। जय हिंद जो है एक डाईकास्टिंग कंपनी है, डाईकास्टिंग मतलब कास्टिंग बनाती है, और फोर्स मोटर जो है गाड़ियां बनाती है, जैसे कि आपका स्कूल स्कूल वैन हो गया, आपका एम्बुलेंस हो गया, ट्रैक्टर। आप गोरखा फोर्स मोटर का काफी ज्यादा फेमस गाड़ी है, आप जानते ही होंगे फोर्स मोटर का गाड़ी आपको कहीं ना कहीं
एम्बुलेंस और स्कूल वैन में देखने को मिल जाएगा। तो फिर ये है अपने साथ, क्या नाम था, अमन, अमन कुमार। कुछ दिन पहले हम निगड़ी से उठा के लाए थे, ब्रिज के पास हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा। तो इनका ज्वाइनिंग हो गया है डी मार्ट में, देख सकते हो टी शर्ट इसका डी मार्ट का। तो यही डी मार्ट में इसकी ज्वाइनिंग हो गई है और हमने रूम इनके साथ ही इसका सेटल किया, अब रूम देख सकते हो। तो बता डी मार्ट में कितना सैलरी मिल रहा है? डी मार्ट में बेसिक 12,700 सैलरी है और इंसेंटिव वगैरह बोनस 2-3,000। डी मार्ट में नई ओपनिंग हुई थी डी मार्ट, इसको हम वहाँ पे भेज दिए और डी मार्ट में 12,000 इसकी सैलरी है, 1,000 रुपया अटेंडेंस बोनस है, 3,000 रुपया इंसेंटिव है। टोटल इसका जो सैलरी बनेगा 16,000 के तकरीबन इसकी सैलरी होगी यदि आप ये रेगुलर काम करेगा 8 घंटा। और अभी इसकी ज्वाइनिंग हुई है तो इसको अभी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, रोज जाता है अटेंडेंस बना करके, काम अपना ख़त्म करके आ जा रहा है। तो काम कैसा है, हार्ड है या नहीं? नॉर्मल काम है, स्कैनिंग वगैरह काम रहता है। एमपी से आया था, देख सकते हो, तो आराम का काम है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। यदि 12 मतलब पूरे महीने 30 दिन 26 दिन काम करेंगे, छुट्टी भी है ना सप्ताह में, संडे को छोड़ के किसी भी दिन ले सकते। हाँ, संडे में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है ना, मॉल वगैरह है, तो 26 दिन ड्यूटी करेगा तो 16,000 रुपये तक, ये 15,000 से 16,000 तक ये कमा सकते हैं आसानी से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। आप फोर्स मोटर में ज्वाइनिंग करना चाहते तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, किसी की जॉब लग सकती है। फिर मिलते हैं, चलिए इजाज़त दीजिए।